साथ हर स्तर पर छल हो रहा है। शिक्षा, जैसे मैंने कहा, अन्य प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां स्कूल बन रहे हैं, यहां स्कूल बंद हो रहे हैं। स्वास्थ्य, वहां पे दाई दीदी क्लिनिक चल रही है महिलाओं के लिए, महिला खुद चला रही है, यहां पे स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं ठप। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, बहुत बड़ी समस्या थी छत्तीसगढ़ में आवारा पशु की, यहां पे है? 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 तो खेतों की पहरेदारी करते हो क्या रात को? क्या करते हो? हाँ, मचान लगाते हो रात भर, उस पे बैठते हो, पहरेदारी करते हो, रखवाली करते हो खेती की, कोई जानवर आके चर ना जाए। यही समस्या छत्तीसगढ़ में थी। सरकार ने क्या कहा? इस समस्या को सुलझाना है, गौठान बनाए। कमलनाथ जी, आपने कहा कि आपने 1000 गौठान बनाए 15 महीनों में। छत्तीसगढ़ में 10,000 गौठान बनाने हैं। गौठान ऐसे बनाए जिससे स्वयं सेवा समूह की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। जो आवारा पशु था उसका कह दिया कि भाई अगर आप आवारा पशु को रखेंगे या गौठान में रहे तो हम आपको इससे गोबर खरीद के लेंगे आपसे, ठीक है? तो लोग कमाने लग गए उसी जानवर से जो आवारा घूम रहा था। गोबर बेची, सरकार ने गोबर खरीदी, गोठान से रोजगार बनाया, स्वयं सेवा समूह को मजबूत बनाया, ग्रामीण रोजगारों को मजबूत बनाया, सबकी तरक्की हुई, समस्या भी हल हो गई। महिलाएं, मैं आपको क्या बताऊं बहनें, मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूं जो 1,00,000 से 6,00,000 रुपए कमा रही हैं गौठान में काम करके, स्वयं सेवा समूह में। ये काम कर सकती है सरकार, अगर सरकार की नियत एक हो कि जनता का पैसा जनता की जेब में जाए। अगर सरकार की नियत ठीक नहीं है तो आपसे लूट, आपको लूटेगी और आपकी संपत्ति ले लेगी। सरकार की नियत ठीक हो तो जब समस्या उठती है, जब संकट होता है, उसका समाधान निकाला जाता है, और ऐसे समाधान निकाला जाता है जिससे आपका विकास हो। तो ये सब बातें मुझे आपसे करनी थी। बहनों, आप जानती होंगी कि आपके लिए जो कांग्रेस यहां पे कह रही है कि एक पूरी तरह से एक सुरक्षा चक्र बनाएगी आपके लिए, जिंदगी के हर मोड़ पर कांग्रेस का हाथ आपके साथ रहेगा। जैसे लड़की पैदा होती है तो उस समय आपको 2,50,000 रुपए दिए जाएंगे आपकी मदद के लिए, उस बच्ची की सहायता के लिए। बेटी के स्कूल जाने पर 500, जैसे मैंने कहा, 500 से 1500 रुपए हर बच्चे को मिलेंगे। फिर बेटी की शादी होगी तो आपको 1,01,000 रुपए उस मौके पे मिलेंगे, ताकि आप अपनी बेटी की शादी के लिए अच्छे बंदोबस्त बना पाए। गृहस्थ महिलाओं के लिए हमने कहा है कि हर महीने 1500 रुपए आपके खाते में डाले जाएंगे, और वृद्धावस्था में आपको 1200 रुपए का वृद्धा पेंशन मिलेगा। तो ये एक सुरक्षा चक्र है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा बोझ तो आप ही उठा रही हो, समाज का बोझ, परिवार का बोझ आप ही उठाती हो, और सबसे कम सहायता आपको मिलती है। आज देखो महंगाई कितनी हो गई है, दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रहा है, आपको बर्तन खरीदने हैं, घर पे मेहमान आ रहे हैं, लिपाई पुताई करानी है, कुछ मेहमानों के लिए बनाना है, दिल में घबराहट हो रही है कि दुकान जाऊंगी, इतनी महंगाई है, कैसे खरीदूंगी, कैसे बनाऊंगी, क्या करूंगी, दिवाली के लिए दिए खरीदने हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हर चीज पे GST है, बर्तन महंगे हो गए हैं, गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। ये चुनाव की पहले की बातों में आप मत पड़ो, आप ये देखो कि आपका जीवन कैसा रहा है। 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया और 3 सालों में भाजपा की सरकार ने क्या किया। कांग्रेस की सरकार ने, आपको मालूम है, 27,00,000 किसानों का कर्ज माफ किया था 15 महीनों में, 600 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया था, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त थी, सॉरी 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिलती थी, 1,000 गौशालाओं का निर्माण किया, 12,000 बर्तन बैंक बनाए, भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट शुरू किया, OBC आरक्षण को 14% से 27% किया, आर्थिक रूप से जो कमजोर सामान्य वर्ग था
उसको भी 10% का आरक्षण दिया। ये 15 महीनों का काम है। अब आप खुद तुलना करिए कि 3 सालों से इनकी सरकार चल रही है, मात्र 21 इन्होंने रोजगार दिए हैं। मुझे याद आता है, मेरी एक सहेली थी, हम जब छोटे थे बचपन में साथ में स्कूल में थे, उसकी शादी हो गई। शादी हो गई एक ऐसे परिवार में जिसके मुखिया बड़े कंजूस थे। जब भी कुछ देना होता था कुछ नहीं देते थे परिवार को। बेचारी खुद अपना कुछ कुछ जुगाड़ करके अपना कुछ कर लेती थी जब जरूरत पड़ती थी। जब भी मांगे या जो उसके पति मांगते थे या कुछ कोई मदद हो जाए, दिवाली है कुछ, तो सारा खर्चा पति उठाए, सारा खर्चा खुद उठाई, मुखिया कुछ देते नहीं थे। एक दिन बड़ी खुश होके मेरे घर आई, 18 साल बाद बड़ी खुश होके मेरे घर आई, बोलने लगी कि यार आज तो बड़ा गजब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने कहा कि भाई खाता खोल दो, आज से हर महीने तुम्हें हम पैसे देंगे। कहानी है। अब बताओ बहनों, आपकी ऐसी सहेली हो जिसकी शादी ऐसे परिवार में हो जाए जहां मुखिया कुछ नहीं देता, 18 साल से बेचारी सर पीट रही है, खुद सारा जुगाड़ करती है अपने पति के साथ, 18 सालों बाद एक दिन मुखिया जागे बोले कि भाई तुम तो मेरी लाडली हो, आज से तुम खाता खोलो तुम्हें मैं पैसे दूंगा, तो तुम क्या कहती उससे? क्या कहती? तुम यही कहती ना, ध्यान रखो इसमें कुछ चाल जरूर होगी, ससुर जी तुमसे खाता खुलवा रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी। कहती ना कि सावधान रहे मेरी बहन, कुछ गड़बड़ लगती है इस बात में, इतना खुश मत होना। वही कहने आई हूं मैं आपसे, मैंने सुना है बड़ी लाडली योजना चल रही है। चल रही ना, सावधान रहो मेरी बहन, जिसने 18 सालों के लिए आपके लिए कुछ नहीं किया ना, वो मुखिया चुनाव के पहले खाता खुलवा रहा है। कुछ चाहिए आपसे, चुनाव के बाद क्या होगा हमें पता नहीं, ध्यान रखिए इन बातों का। आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो सचमुच आपके लिए काम करे। आप देखिए छत्तीसगढ़ का जो किसान है मुस्कुरा रहा है, खुश है। अरे वन उपज के लिए, 67 वन उपजों के लिए उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है, 2400 रुपए आज के दिन में धान के लिए मिल रहा है उसको, जो पूरे देश में कम है। मोदी जी के वाराणसी में 1200 मिल रहा है। मोदी जी छत्तीसगढ़ जाते बोलते मैं भेज रहा हूं, तो हमने पूछा भाई आप यहां भेज रहे हैं तो वाराणसी भी भेज दीजिए, वहां क्यों दे रहे हैं 1200? है कि नहीं? क्योंकि हर अच्छी चीज का श्रेय लेने वाले नेता जो काम खुद करते नहीं है, अपना मान सम्मान बढ़ाने का ही सिर्फ काम करते हैं, अपने बड़े बड़े हवाई जहाज, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सक्षम बनाने के लिए काम करते हैं, वो जनता के लिए काम नहीं करते हैं। और जनता जब तक इस बात को पहचानेगी नहीं, गहराई से नहीं समझेगी, तब तक आपकी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। जो 18 सालों से आप भुगत रहे हो, जो संघर्ष आप कर रहे हो, जरा मुझे बताओ भाजपा का कौन सा नेता कर रहा है? कौन सा नेता कर रहा है ऐसा संघर्ष कर रहा है? खेती करता है? जब संकट आते हैं तो आपका हाथ पकड़ता है, आपकी सहायता करता है? यहां पे यूरिया के लिए जूझ रहे हो आप। मैं यूपी में काम करती थी, वहां मैंने खुद देखा, जहां से यूरिया बटना चाहिए वो जगह बंद, प्राइवेट वाला खुला है, यूरिया वहां से मिल रही है। और यहां लंबी कतार, मैं गई थी ललितपुर इसलिए गई थी क्योंकि कतार में खड़े हुए एक किसान का, वो खड़ा था, घर नहीं आया 2 दिन के लिए, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, वहीं मर गया, वहीं गिर के मर गया, यूरिया के लिए कतार में खड़ा था। वही स्थिति क्या आज यहां नहीं है कि जब आपको जहां से मिलना चाहिए वहां से मिलता नहीं है, फिर आपसे पैसे मांगे जाते हैं? यही है ना स्थिति, वहां भी यही स्थिति है। वहां भाजपा की सरकार चल रही है, यहां पास में देखिए छत्तीसगढ़ में किसान खुश है, यहां किसानी खेती में रोजगार बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, यहां से और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लोग छोड़ के जा रहे हैं कि हम शहर में जाते हैं कहीं पे रोजगार मिल जाए। तो ये परिस्थितियां हैं। यहां आपके पास आप सिंचाई की सुविधा नहीं है ना, सच बात है, सिंचाई की कम सुविधा है ना, यहां नहीं है, तो किसका काम है?
सरकार का काम है कि आपके लिए सिंचाई करानी चाहिए, पानी उपलब्ध होना चाहिए, आपके लिए मदद होनी चाहिए। भाई जो संघर्ष का जीवन है उसमें मदद करना सरकार का काम है। खाद, बीज, ट्रैक्टर पे टैक्स लगा रखे हैं, हर तरफ से महंगाई है, पेट्रोल डीजल का दाम तो आसमान छू रहा है, तो कमाओगे कैसे, पेट कैसे भरोगे किसानी से, खेती से, जब सब खत्म कर रहे हैं। प्याज की बात करते हैं, प्याज में प्याज के साथ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आज, क्या परिस्थितियां हैं, प्याज के दाम कौन तय कर रहा है आज, बड़े बड़े उद्योगपति तय कर रहे हैं। हिमाचल में यही स्थिति थी, सेब बोया जाता था, उगाया जाता था, अडानी जी आए, सारे कोल्ड स्टोरेज खोल दिए, सारे सेब रख लिए, जब जी चाहे दाम बढ़ा दो, जब जी किसानों से खरीदो तो कम, फिर उसको रखो, उसके बाद जब बेचना है तो दाम बढ़ा दिया।